हेलो एवरीवन। तो आज फिर से एक और नया वीडियो। आज का वीडियो है उन लोगों के लिए, खास तौर से जिनको मेरे पुअर वॉइस क्वालिटी से बहुत प्रॉब्लम थी। एक्चुअली मेरे को भी थी यार। आप में से बहुत सारे लोगों को ना बड़ी शिकायत थी मेरे से कि आवाज साफ नहीं रिकॉर्ड होती है। तो भाई साहब, आप लोग ना मुझे लगता है यूट्यूबर बना के ही मानोगे। आपके चक्कर में मैंने एक माइक खरीदा है और वो माइक अभी डिलीवर हुआ है। चलिए तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। ये है ब्लिंक 500 B4 वायरलेस माइक का सेट है। इसमें दो माइक है। इसके मैंने बहुत सारे और यूट्यूबर्स का मैंने देखा है रिव्यू, जो कि कहते हैं बहुत ही अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा कॉस्टली है। ये दोनों माइक और इसका जो आईफोन का जो रिसीवर है ये थी, और साथ में दो के ट्रांसमीटर, ये टोटल मुझे $316 में पड़ा है, कैनेडियन डॉलर 316 में। तो चलिए खोल के देखते हैं इसके अंदर है क्या क्या। ओके, वाह, ये देखिए, ये इसका मैनुअल है, ये है माइक और ट्रांसमीटर। इसमें इनबिल्ट माइक भी है और एक अलग से एक्सटर्नल माइक भी है। फिर ये इसका रिसीवर है जो फोन में पीछे डायरेक्ट आईफोन में लगा सकते हो आप, और ये दूसरा माइक है, और ये हैं इसके एक्सटर्नल माइक जो आप अलग से भी यूज कर सकते हो। ये माइक है, एक ये है और एक ये है। साथ में इसकी ये चार्जिंग केबल है, दो है। इसका जो रिव्यू मैंने पढ़ा है वो ये है कि ये 164 फीट तक, 50 मीटर तक आपका रिसेप्शन को एकदम क्लियरली रिसीव करता है। प्लस इसमें एक और फायदा यह है कि अगर आपको जैसे कॉलर पे सीधे आप ऐसे भी लगा सकते हो इसको, ठीक है, बहुत भारी नहीं है। इसके अंदर रिचार्जेबल बैटरी है, अपनी लिथियम बैटरी इसके अंदर लगी हुई है, और इसमें आप अलग से माइक भी, ये माइक ऐसे प्लग इन भी कर सकते हो और इसको यहां कहीं और लगा के ये ऐसे लगा सकते हो। तो इसका ये एडवांटेज बहुत ज्यादा है। प्लस जितने भी मैंने रिव्यूज पढ़े हैं, Everyone has given a 5-star, ठीक है। तो ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं ट्राई कर रहा हूं। मैंने, क्योंकि मुझे काफी लोग शिकायत कर रहे थे कि अभी क्या था, अब तक मैं हमेशा एक जगह बैठ के रिकॉर्ड करता था। जब भी मैं बाहर जाता था तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता था, क्योंकि एक तो यहाँ विंड बहुत ज्यादा है और दूसरे नॉइस बहुत ज्यादा होता है, तो नॉइस रिड्यूस नहीं होता है आपके नॉर्मल माइक से। जैसे ही फैन थोड़ा दूर ले जाओगे आपको प्रॉब्लम होती है। तो अब मैं आपको इसका जो है बाकी आपको एक बार इससे रिकॉर्ड करके और फिर इसका वॉइस डिफरेंस आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। चलिए, अब आप देखो नई वायरलेस माइक की रिकॉर्डिंग। अगर इसमें कोई फर्क है तो इसको रखेंगे, वरना तो इसको भी वापस कर देंगे, ठीक है जी। चलिए तो अब आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद, और ये चेक करके कि इसकी रिकॉर्डिंग कैसी है, ठीक है। आज का वीडियो है उन लोगों के लिए, खास तौर से जिनको मेरे पुअर वॉइस क्वालिटी से बहुत प्रॉब्लम थी। एक्चुअली मेरे को भी थी यार। तो मैंने इसके लिए पता है क्या क्या नहीं किया।
पहले मैंने कोई एक और डेबरा करके कंपनी थी, उसका माइक लिया, मंगाया उसका वायरलेस माइक $80 का। उसके बाद भी वो बहुत बुरी हालत थी, वो चलता ही नहीं था, उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होता था कुछ भी ठीक से, और मैंने फिर वो तंग आके वो वापस कर दिया। ठीक है, फिर मैंने कहा यार अब क्या करूँ, अब की बार फिर से कुछ और सस्ता ले लूँ फिर वापस दिक्कत होगी। तो मैंने रिसर्च किया, और रिसर्च जो मैंने किया, मैंने देखा कि जो टॉप यूट्यूबर हैं वो कौन सा माइक यूज़ करते हैं, क्योंकि अब तो आप लोगों ने मेरे को यूट्यूबर बना ही दिया है। देखो तो मुझे लगता है कि मेरे को भी यूट्यूबर की तरह ही थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। नहीं तो मैंने देखा कि कौन से टॉप यूट्यूबर हैं, क्या वो यूज़ करते हैं, क्या उनके गैजेट्स हैं। तो मैंने जो मोस्टली जो यूट्यूबर हैं जो ऑन द गो जो व्लॉग बनाते हैं, उन सब के पास सेरामोनिक ब्लिंक 500B4 ये करके माइक होता है। ठीक है, उसकी फिर मैंने ऑनलाइन चेक किया, तो ऑनलाइन उसका जो कॉस्ट है वो है $316 कैनेडियन। उसमें आपको मिलता है एक रिसीवर, दो ट्रांसमीटर, दो माइक अलग से, और ट्रांसमीटर में भी जैसे ये जो मेरा माइक है ये इसके अंदर एक ओमनी डायरेक्शनल माइक ऑलरेडी है, और ये ट्रांसमीटर भी है। तो इसमें अब मैं अलग से माइक भी लगा सकता हूँ, और ये माइक भी खुद भी काम करता है। ठीक है, लेकिन हाँ ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग चाहते हैं अच्छी क्वालिटी का वीडियो रिकॉर्ड करना और विद बेटर साउंड क्वालिटी, तो उन लोगों के लिए ये बढ़िया चीज़ है। ठीक है, तो इसमें एक और बड़ी भयंकर चीज़ है कि ये जो इसका रिसीवर है वो रिसीवर डायरेक्टली आईफोन में लग जाता है, छोटा सा वो सीधा जैक में लग जाता है लाइटनिंग उसमें। तो इवन जैसे अभी मैं गिम्बल यूज़ कर रहा हूँ, तो गिम्बल के ऊपर मतलब गिम्बल में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा इसके वेट से, तो और आईफोन पूरा फ्री होके घूम सकता है गिम्बल में। आप ये देखोगे, ये देखो आप आराम से घूम रहा है। ठीक है, तो ये बड़ी चीज़ है इसमें, क्योंकि ये बहुत ही हल्का है जो इसका रिसीवर है, मतलब मुश्किल से 10-20 ग्राम का होगा, नॉट मोर देन दैट। उसमें कोई बैटरी है नहीं, क्योंकि वो बैटरी फ़ोन की बैटरी से अपने आप को पावर देता है। बैटरी इसके अंदर है जो छोटी सी बैटरी है, चार्ज होके एक बार में 5 घंटे चलती है। ठीक है, तो ये आज का वीडियो बस मैंने कहा आप लोगों को ज़रा बता दूँ। ठीक है जी, तो देखो अब शायद आपको आगे फ्यूचर में जो साउंड क्वालिटी होगी वो अच्छी होगी, और आप लोगों को शिकायतें कम होंगी मेरे से कि क्या आप रिकॉर्ड करते हो, इतनी मेहनत करते हो और फिर भी उसके बाद भी साउंड क्वालिटी आती नहीं है। तो मैंने कहा चलो आपको अब साउंड क्वालिटी दिखाते हैं। ठीक है जी, चलिए। और हाँ, इतनी मेहनत तो करा रहे हो यार मुझे, तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलो सब्सक्राइब कर लो और ताकि आपको जो भी अपडेट्स वगैरह मैं देता रहता हूँ या प्रोसेस वगैरह से रिलेटेड बताता रहता हूँ वो आपको पता चलता रहेगा। यू कैन ऑल्सो यू नो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।